नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इजी फोटोग्राफी ट्रिक्स में। और आज का जो टॉपिक है वो है शटर स्पीड। तो आइए जानते हैं कि ये शटर स्पीड क्या होती है और उसको यूज़ किस तरीके से करते हैं। आपके कैमरे की बॉडी के अंदर एक पर्दा लगा होता है। जब भी आप फोटो क्लिक करने के लिए बटन प्रेस करते हैं तो वो पर्दा ऊपर होता है, लाइट अंदर आती है, पर्दा नीचे होता है और एक इमेज क्रिएट हो जाती है। वो जो पर्दा ऊपर नीचे होता है उसे ही हम शटर बोलते हैं, और उसके गिरने और उठने की जो स्पीड को हम कंट्रोल करते हैं वो होती है शटर स्पीड। तो आइए मैं आपको पहले एक शटर का वीडियो दिखाता हूँ वर्क किस तरीके से करता है, ताकि आप अच्छे से जान पाएँ कि ये शटर होता क्या है और शटर स्पीड कम या ज़्यादा करते हैं तो वो वर्क कैसे करता है। तो ये तो आपने देखा कि कैमरे के अंदर शटर वर्क कैसे करता है, पर आइए अब जानते हैं कि रियल लाइफ में हम शटर स्पीड को किस तरीके से यूज करते हैं। फोटोग्राफी में शटर स्पीड को दो तरीके से यूज किया जाता है। पहला तो फोटो में लाइट कम या ज्यादा करना, और दूसरा फोटो में हमें मोशन किस तरीके से कैप्चर करना है वो डिसाइड करना। तो आइए जानते हैं पहले पॉइंट के बारे में। फोटोग्राफी में लाइट को कंट्रोल करने के लिए हमें शटर स्पीड को कम यह ज़्यादा करना पड़ता है। आप जब भी शटर स्पीड को ज़्यादा स्लो करते हैं तो फोटो में लाइट ज़्यादा अंदर आती है, और जब भी शटर स्पीड को बढ़ाते हैं तो फोटो में लाइट कम अंदर आती है। तो आसान भाषा में अगर समझें तो जब भी हमें फ़ोटो में लाइट बढ़ानी हो, ब्राइटनेस बढ़ानी हो, तो हमें शटर स्पीड को स्लो करना चाहिए, और जब भी फ़ोटो में हमें डार्कनेस बढ़ानी हो, लाइट कम करनी हो, तो हमें शटर स्पीड को बढ़ाना चाहिए। अब देखिए, मैं इस फोटो में आपको शटर स्पीड को कम या ज़्यादा करके दिखा रहा हूँ कि इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है फोटो के ऊपर। तो आप देखिए, आप जैसे ही मैं शटर स्पीड कम कर रहा हूँ तो फोटो में ब्राइटनेस बढ़ रही है, और अब मैं ये शटर स्पीड बढ़ा रहा हूँ तो देखिए फोटो में डार्कनेस बढ़ रही है। तो इस तरीके से शटर स्पीड को कम या ज़्यादा करके आप फोटो में लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, मोशन। फोटोग्राफी में मोशन को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है शटर स्पीड के थ्रू। देखिए, आप जो भी फोटो लेते हैं उसमें एक पर्टिकुलर मोशन होता है, चाहे कोई चल रहा हो, दौड़ रहा हो, बस, ट्रेन, पंछी उड़ रहे हैं, सभी में एक मोशन होता है। उस मोशन को हम कैसे डिसाइड करते हैं? देखिए, मान लीजिए एक ट्रेन आपकी जा रही है 60 किलोमीटर की स्पीड से और आप फोटो क्लिक कर रहे हैं। अगर आपके कैमरे की स्पीड उस ट्रेन की स्पीड से कम है तो ऐसा लगेगा कि ट्रेन बहुत तेज चल रही है या शेकी आएगा फोटो। या फिर दूसरा, अगर आपकी स्पीड कैमरे की उस ट्रेन की स्पीड से काफ़ी ज़्यादा है तो ऐसा लगेगा कि ट्रेन खड़ी है, चल ही नहीं रही है। तो इस तरीके से मोशन को कंट्रोल किया जाता है शटर स्पीड के थ्रू। इसके एग्जांपल को अगर आपको स्टडी अच्छे से करना हो कि मोशन को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, तो आपके घर में जो सीलिंग फैन लगा होता है आप उसको चालू करिए, शटर स्पीड को बढ़ाते जाइए, तो ऐसा लगेगा एक पॉइंट पे कि वो पंखा चल ही नहीं रहा है, रुका हुआ है। आप थोड़ी कम करिए स्पीड तो ऐसा लगेगा कि वो पंखा थोड़ा धीरे से चल रहा है, ब्लेड्स हल्की हिली दिखेंगी। और आप काफ़ी स्पीड जब कम कर देंगे तो ऐसा लगेगा कि वो पंखा बहुत तेज़ चल रहा है। तो शटर स्पीड से हम ऐसे मोशन को कंट्रोल करते हैं। लेकिन जब भी हम फोटोग्राफी में शटर स्पीड की बात करें तो हम फास्ट शटर स्पीड ही यूज़ करते हैं कभी भी। उसका कारण क्या होता है, हम नॉर्मल फोटोग्राफी जितनी करते हैं सभी में हमें फास्ट शटर स्पीड रिक्वायर्ड होती है। जैसे कि आप नॉर्मल फोटोग्राफी कर रहे हैं, कैंडिड कर रहे हैं, पोर्ट्रेट ले रहे हैं, तो उसमें आपकी लगभग 200 के ऊपर ही रहती है स्पीड, 200, 300, 400, 1000 तक आप यूज़ करते हैं। आप नेचर फोटोग्राफी कर रहे हैं, आप बर्ड्स फोटोग्राफी कर रहे हैं, आप किसी भी टाइप की मेनली फोटोग्राफी में हाई स्पीड ही यूज़ होती है। तो स्लो शटर स्पीड का यूज़ क्या होता है? देखिए, स्लो शटर स्पीड हम जब भी यूज़ करते हैं तो वो हमें बहुत ही क्रिएटिव वे में करनी पड़ती है। उसका रीज़न क्या होता है, जब भी हम स्लो करते हैं शटर स्पीड को तो फोटो में शेक के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो या तो फोटो में लाइट बहुत कम आ रही हो और वहाँ कोई मूवमेंट नहीं हो, तब हम शटर स्पीड को कम कर सकते हैं। जैसे आप इंटीरियर का शूट करते हैं या रात में लैंडस्केप की फ़ोटो लेते हैं, तो आप ट्राइपॉड पर लगाइए कैमरे को, शटर स्पीड को बिल्कुल स्लो कर दीजिए तो फोटो बढ़िया आएगा, लाइट भी अच्छी आएगी और फोटो हिला हुआ नहीं आएगा। सेकेंड जो यूज़ करते हैं स्लो शटर स्पीड का, वो हम करते हैं लाइट पेंटिंग के लिए, या फिर रातों में तारों के फ़ोटो लेना उसके लिए, लाइट ट्रेल होता है उसके लिए, इस टाइप की क्रिएटिव फोटोग्राफी के लिए हम स्लो शटर स्पीड को यूज़ करते हैं। अब मैं आपको कुछ सेटिंग्स बताता हूँ कि किस किस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए आपको क्या क्या शटर स्पीड यूज़ करनी चाहिए
और कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ स्लो और फास्ट शटर स्पीड के। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर ऐसे ही मेरे अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।